आज मैं बना रही हूँ बनाना चिप्स, जिन्हें बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और इन्हें हेल्दी स्नैक्स में भी काउंट किया जा सकता है अगर हम इन्हें स्मॉल क्वांटिटी में खाएं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है, ताकि जैसे ही हम चिप्स बनाएंगे ना, फिर तुरंत तेल में डालेंगे। ठीक है, तो तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब एक कटोरी में मैं 4-5 चम्मच पानी लिया डाल रही हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और 1/2 चम्मच से भी कम मैंने इसमें हल्दी डाल दी। इसे मिक्स कर लेंगे। ये जब हम बनाना चिप्स बनाएंगे ना, उस टाइम पे इसको इस मिक्सचर को यूज़ करेंगे। तो मैंने ये केले ले लिए हैं, तो सबसे पहले इसको पील करते हैं। तो इसको ऐसे काटना है। काटते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका, थोड़ा छिलका निकालने में थोड़ा, क्योंकि ये कच्चा है तो इतनी आसानी से निकलता नहीं है। बट ये देखिए, ये पहले इस तरीके से काट लेना और बीच में से ना इसमें से कट लगाने, कट ज़्यादा ऐसे ज़्यादा डीप नहीं करना है, क्योंकि फिर वो अंदर का जो केला होता है ना कच्चा, वो पार्ट भी कट जाएगा। तो ऐसे छिलके के हिसाब से इसको ऐसे कट लगा लेना है। इससे क्या होगा कि छिलका आसानी से निकल जाएगा। अब इसको एक तरफ से ऐसे निकाल लेंगे। जब एक साइड से निकल जाएगा ना, फिर ये आसानी से पूरा निकल जाएगा। ये देखिए, ये थोड़ा इसको निकालना थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि थोड़ा सा हाथ पे चिपकता भी है, स्टिकी सा हो जाता है। तो ये देखिए, ऐसे निकालते जाना है। ये देखिए, निकाल दिया है ना। तो अब इसको जो इसका जो ऐसे थोड़ा ये रफली सा जो है ना, इसको ऐसे स्क्रेप कर देंगे। बस इसी तरीके से हम दूसरा केला भी काट लेंगे। अभी हम 2 केले के चिप्स बनाएंगे पहले, ठीक है। तो इसको भी इसी तरीके से सेम ऐसे इसमें से कट से लगा लेने और फिर इसका छिलका उतार लेना है। तो देखिए, अब इसके ऐसे स्लाइसेस चिप्स निकाल लेते हैं। तो ये ध्यान से करिएगा, ये देखिए ऐसे निकल लेना पतले पतले बिल्कुल। तो ये दूसरा वाला है, इसके भी चिप्स निकाल लेते हैं। और ये ना इंस्टेंट चिप्स बनेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आलू में होता है ना, कि हमें पहले उसको धूप में भी सुखाना होता है, उसके बाद हम चिप्स फ्राई करते हैं अपने। इसमें हम इंस्टेंट बनाएंगे, इसमें कोई धूप में सुखाना है कुछ भी नहीं करना है। तो चिप्स हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, मतलब हमने उन्हें ग्रेट तो कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, ये रेडी है ना। तो ये 2 जो केले हैं, 2 केले के हमने ऐसे इसके चिप्स बना लिए। तो अब तेल गर्म है अच्छा सा, तो अब इसमें चिप्स डाल देते हैं। ये देखिए, तो 1 मिनट तक ना आपको इसको अटैच नहीं करना है, ऐसे ही पकने देना है। अब मैं इनको चम्मच से ऐसे चला रही हूँ, थोड़ा अलग अलग कर रही हूँ, जो साइड एक दूसरे से चिपक गए ना उनको। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है अभी, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि फिर वो अगर लो पे बनाएंगे ना तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ठीक है, तो अब मैंने जो मिक्सचर बनाया था ना नमक और हल्दी का, वो मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ध्यान से करिएगा, जब हम तेल में ये मिक्सचर डालेंगे तो वो स्प्लटर होगा, तो उस टाइम पर बहुत ही केयरफुली करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसमें थोड़ा नमक भी चढ़ जाएगा और हल्दी का रंग जो होता है ना पीला, वो भी बहुत अच्छा आएगा, तो उसे देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और नमक से स्वाद तो बढ़ेगा ही। आप चाहें तो नमक बाद में भी डाल सकते हैं और एक्स्ट्रा जो मसाला आपको डालना है वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो 3-4 मिनट तक ना इनको ऐसे फ्राई करना है और लास्ट में इनकी फ्लेम ना हाई कर लेनी है, ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी बन जाए। तो अब ये लगभग बन चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए, तो एक मैंने छन्नी ली है, उसमें निकाल रही हूँ दूसरी छन्नी से, उससे तेल भी है जो अच्छे से निकल जाएगा।
तो ये देखिए क्रिस्पी यमी बनाना चिप्स बन के रेडी हैं। तो अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी मैंने इन्हें टिश्यू पेपर में निकाला है साथ में, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, है ना कितने क्रिस्प बने। इनकी आवाज़ सुनिए कितनी अच्छी आ रही है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।